हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। इंटरव्यू के सीरीज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मटेरियल कंस्ट्रक्शन, जो बेयरिंग एलिमेंट है, जो कंपोनेंट यूज होता है किलन सेक्शन में, वो क्या है। तो आज हम किलन के कंपोनेंट के बारे में कवर करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो को आप भूलिए मत। हमने प्रीहीटर के हर एक कंपोनेंट के मटेरियल कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था, आज हम किलन का कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करते हैं किलन, किल्न में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि किल्न किस प्लेट से बना रहता है, किल्न सेल जो है उसका मटेरियल क्या होता है। तो सिंपल सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो उसका मटेरियल है वो बॉयलर ग्रेड का होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा किल्न में आप देखेंगे टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। अगर किल्न बंद हो गई तो किल्न का जो लेंथ है वो रिड्यूस होके करीब 250 mm तक रिड्यूस हो जाता है, और जैसे किल्न हॉट होता है 250 mm तक एक्सपेंड कर जाता है, मतलब उसमें थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा रहता है सेल में। तो थर्मल एक्सपेंशन हमेशा इमीडिएट एकोमोडेट हो जाए तो उस टाइप का प्लेट का यूज किया जाता है। इसलिए बॉयलर ग्रेड 70 सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ASTM A516 उसका नामक्लेचर है और जो ग्रेड है 70, कहीं कहीं ग्रेड 60 का भी यूज होता है। ये जनरली यूक्रेन में सबसे ज्यादा पाया जाता है, यूक्रेन से ही इंपोर्ट करके इंडिया में लाया जाता है, इंडिया में इसको रोलिंग करके किल सेल बनाया जाता है। तो मतलब किल सेल का मटेरियल क्या है, A516 ग्रेड 70। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है किल टायर, किल टायर और सपोर्ट रोलर, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। किल टायर का जो हार्डनेस है वो करीब 200 VHN तक रहता है। अगर हम बात करते हैं जो सपोर्ट रोलर है उसका जो हार्डनेस है वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है वो टायर के मुकाबले में सपोर्ट रोलर का ज्यादा रहता है, इसलिए उसका हार्डनेस करीब 220 तक रहता है। नंबर वन ये केस हो गया। अगर हम बात करते हैं मटेरियल का, तो मटेरियल टायर के लिए G28MN6, क्या G28MN6, जहां पर कार्बन की वैल्यू 0.25% से लेके 0.3% तक रहता है, सिलिका की वैल्यू 0.6% तक रहता है, मैग्नीज की वैल्यू 1.2 से लेके 1.6% तक रहता है, और वही क्रोमियम 0.3% तक रहता है। जो हार्डनेस है वो वैरी करता है 160 से लेके 200 BHN तक, इसके बीच में ही उसका हार्डनेस रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो किल्न टायर है, इसको लाइव रिंग भी बोलते हैं, इसको कास्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसके इनसाइड में कोई भी डिफेक्ट ना हो, इसलिए हमेशा जो किल्न टायर है वो फोर्जिंग के द्वारा ही बनाया जाता है। तो फोर्जिंग में इसका नॉर्मलाइजिंग भी किया जाता है, टेम्परिंग भी किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग क्या होगा कि इसको करीब 12 आवर तक 950 डिग्री सेल्सियस तक फर्नेस में रखा जाता है, कंटिन्यूअस सेम टेम्परेचर में 12 आवर तक 950 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाएगा। इसके बाद इसका एयर कूलिंग किया जाएगा। जैसे ही इसका टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस होता है, अगेन इसको फर्नेस में 10 आवर्स के लिए सेम टेम्परेचर, कितना 600 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाएगा, इसको बोलेंगे टेम्परिंग। लेकिन 10 आवर के बाद इसके जो कूलिंग होगा वो कूलिंग किया जाता है फर्नेस कूलिंग। पहले वाले केस में क्या हुआ, जब 950 डिग्री सेल्सियस तक रहा, 10 घंटा 12 घंटा रखा गया, नॉर्मलाइजिंग किए, उसका हमने किया एयर कूलिंग। जैसे ही 600 डिग्री सेल्सियस आया उसके बाद इसका हम फर्नेस कूलिंग किया, तो ये हीट ट्रीटमेंट किया गया लाइव रिंग का, जिससे कि प्रॉपर जो हार्डनेस है वो प्राप्त हो जाता है। वही अगर हम बात करते हैं जो सपोर्ट रोलर है, सपोर्ट रोलर का क्या मटेरियल है, ये भी सबसे पहले आप जान जाइए, ये भी फोर्जिंग के द्वारा ही बनाया जाता है कि ना कि कास्टिंग के द्वारा। क्या डिफरेंस होता है फोर्जिंग और कास्टिंग, सेपरेट में हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये फोर्जिंग के द्वारा बनाया जाता है। फोर्जिंग में डिफेक्ट करीब करीब जीरो होता है, कोई भी डिफेक्ट आपको इंटरनल में नहीं मिलता है। वही अगर हम बात करें कास्टिंग में, आपको ब्लू होल, पोरोसिटी, कोई ना कोई डिफेक्ट आपको मिल ही जाता है, लेकिन फोर्जिंग में वो केस नहीं रहता है। तो वही जो किल्न रोलर का मटेरियल है G42CrMo4 इसका मटेरियल रहता है, और जो हार्डनेस है वही करीब करीब 220 BHN तक रहता है। जो शाफ्ट है,
शाफ्ट कहीं कहीं CK-35 भी होता है, कहीं कहीं हमने देखा है CK-45 भी देखा है और CK-60 भी देखा है। CK-35 मतलब जो शाफ्ट है ये भी फोर्जिंग के द्वारा ही बनाया जाता है, लेकिन जो कार्बन परसेंटेज है वो 0.35 तक रहेगा। अगर CK-45 है तो वहीं पर जो कार्बन का परसेंटेज है वो 0.45 रहेगा। जो CK-60 से बना है उसका जाहिर सी बात है कार्बन परसेंटेज 0.6 तक रहेगा। तो 0.6 तक कार्बन परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ता है उसकी रिजिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फोर्जिंग के द्वारा ही बनाया जाता है। तो फोर्जिंग से बनाएंगे तो डिफेक्ट उसमें सबसे कम रहेगा। तो सपोर्ट रोलर का हमने जान गया कि शाफ्ट CK-35, CK-45 से भी, CK-60 से भी बनाया जाता है, अलग अलग सप्लायरों पर अलग अलग मटेरियल साइज के हिसाब से अलग अलग रहता है। अगर वही बात एक एडिशनल पॉइंट के लिए आपको बता दूं, शाफ्ट और रोलर का हमेशा श्रिंक फिटिंग किया जाता है जो कि टॉलरेंस रखा जाता है 0.4 के करीब। तो 0.4 पहले रोलर को एक्सपेंड किया जाता है, जो उसका बोर है इसको एक्सपेंड करेंगे हीटिंग के द्वारा फर्नेस में, उसके बाद में शाफ्ट को कूल किया जाता है, रोलर को हीट करके एक्सपेंड करते हैं, तब जाके कहीं 0.4 का हमको क्लियरेंस उससे ज्यादा मिलेगा। इमीडिएटली आप शाफ्ट को ले जाके सपोर्ट रोलर में फिक्स कर सकते हैं और ऐसे किया भी जाता है, तो इसका श्रिंक फिटिंग होती है। वहीं एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है थ्रस्ट रोलर। जो थ्रस्ट रोलर है और उसका शाफ्ट, ये दोनों भी फोर्जिंग के द्वारा ही बनाया जाता है। जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है CK-60 दोनों शाफ्ट और सपोर्ट रोलर दोनों फोर्जिंग के द्वारा ही CK-60 मटेरियल का बनाया गया था, जहां पर कार्बन परसेंटेज 0.6 तक रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट HRCS ग्रेड की बात करते हैं, किल इनलेट टिप कास्टिंग। जो हमारा टंग प्लेट है उसका मटेरियल HRCS ग्रेड 9 का रहता है। थिकनेस कहीं कहीं प्लांट में हमने 25mm भी देखा है, 35mm भी देखा है, एक प्लांट में हमने तो 60mm देखा है। तो उस केस में क्या है, टंग प्लेट का लाइफ करीब करीब 5-6 साल तक कभी हमने चेंज ही नहीं किया। मैंने फर्स्ट प्लांट में जिस प्लांट में था उसमें हमने टंग प्लेट को एक बार रिप्लेस किया, इसके बाद में 5 साल तक चलता रहा, उसमें कोई ना डिफॉर्मेशन आया, 60mm थिक का था, उसके ऊपर हमने बॉटम और टॉप में कास्टेबल कर दिया, अच्छा खासा लाइफ देता है। वही किसी प्लांट में हर साल चेंज किया जाता है, जहां पर टंग प्लेट का सेक्टर प्लेट का जो थिकनेस है वो करीब 20mm तक रहता है, बॉटम और टॉप में कास्टेबल करके उसको थोड़ा लाइफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक साल तक ही मिलता है। एक साल के बाद में जैसे किल्न का मेजर ब्रेकडाउन आता है, शटडाउन आता है, उसको इमीडिएटली चेंज कर दिया जाता है। वही सेक्टर प्लेट वो भी ग्रेड 9 का ही बना रहता है। ग्रेड 9 में क्या इंपॉर्टेंट है, जो क्रोमियम निकल का परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट करता है, जो क्रोमियम है वो करीब 25% तक रहता है, जो निकिल है वो करीब 20% तक रहता है। तो यही वेरिएशन रहता है ग्रेड 9 में। किल आउटलेट टिप कास्टिंग प्लेट भी ग्रेड 9, कहीं कहीं ग्रेड 10 का भी हमने देखा है, तो ग्रेड 9 ही बेटर रहता है। जो F+ डिजाइन का है, अगर मान लीजिए कि टॉप में हमारा कास्टेबल है, कास्टेबल आता है, तो ग्रेड 9 ग्रेड 7 भी इवन चल जाता है, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल का कॉन्टेक्ट नहीं होने पाता है टिप कास्टिंग से, तो उस केस में ग्रेड 7 भी चलता है, ग्रेड 9 भी चलता है HRCS ग्रेड 9। और कहीं कहीं ग्रेड 10 भी देखा हूं, डायरेक्ट एक्सपोज जब मटेरियल होता है, कहीं कहीं जो किल का टिप कास्टिंग प्लेट है आउटलेट का वो डायरेक्ट एक्सपोज रहता है। अगर डायरेक्ट एक्सपोज है तो वहां पर ग्रेड 10 का यूज कीजिए, लेकिन थोड़ा सा हमेशा मॉडिफिकेशन आता है किल टिप कास्टिंग में, कि डायरेक्ट मटेरियल टू मटेरियल का कॉन्टेक्ट सीधा पूरा सरफेस पर ना हो टिप कास्टिंग प्लेट के, तो इसलिए 50mm का एक नोच बना दिया जाता है, ग्रुप बना दिया जाता है, तो मटेरियल का जो कॉन्टेक्ट है टोटल प्लेट में नहीं आना, तो लाइफ थोड़ा सा 3-4 महीना 5 महीना ज्यादा बढ़ जाता है। तो हर साल तो उस सब इसको हर साल चेंज करना रहेगा, लेकिन जो FLS डिजाइन का है वो आराम से 3-4 साल तक वो लाइफ दे देता है, क्योंकि उसको हमेशा हर साल टिप कास्टिंग आपको कास्टिंग जो डैमेज है उसको आपको रिप्लेस करना रहेगा, उसका लाइफ अच्छा खासा मिलता है टिप कास्टिंग प्लेट का। नेक्स्ट कूलर की बात करते हैं। कूलर में जो वेयर पार्ट है वो फर्स्ट किट्स या जो फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड स्टैटिक रहता है, स्टैटिक ग्रेड का जो मटेरियल है ग्रेड 9 का ही रहता है। जो थिकनेस प्लेट का है वो डिपेंड करता है किस मेक का है, अगर आइकन मेक है तो थिकनेस कम ही रहता है, 10mm का थिकनेस रहेगा, लेकिन उसमें जो कोएंडर नोजल है उसका जो डिजाइन है तो बहुत ही जबरदस्त रहता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम कूलर की बात करते हैं तो आइकन सबसे ज्यादा लाइफ देता है, उसका हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेंटेनेंस फ्री रहता है, जब भी आपको डाउन का मौका मिलता है 10-5 प्लेट चेंज करना था तो लाइफ अच्छा खासा मिलता है। वही और जितने भी कन्वेंशनल कूलर हैं
उसमें हमेशा हर 6 महीने में आपको अच्छी खासी प्लेट का रिप्लेसमेंट करना पड़ता ही पड़ता है, हर साल पूरा प्लेट का रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। जो प्लेट का थिकनेस है वो करीब 20-25 mm तक रहता है और ग्रेड 1, ग्रेड 2 करीब करीब HRCS ग्रेड 9 का ही रहता है और उसके बाद में ग्रेड 7 जैसे जैसे पीछे जाते हैं ग्रेड 7 थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड तक मोस्टली रहता है, तो वो ग्रेड 7 का ही रहता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मटेरियल का टेम्परेचर रहता नहीं है, इसलिए ग्रेड 7 सफिशियंट बेटर रिजल्ट देता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है हैमर कर्सर, कहीं कहीं हैमर कर्सर है और कहीं कहीं रोलर कर्सर है, इन दोनों के बारे में हम सेपरेट में वीडियो बनाएंगे। हैमर कर्सर एक तो मेंटेनेंस के बारे में, कैसे रिप्लेस करते हैं, कैसे बैलेंसिंग करते हैं रोटर का, और दूसरा है रोलर कर्सर। रोलर कर्सर थोड़ा सा बेटर लाइफ देता है, तो रोलर कर्सर के बारे में भी बताएंगे, कैसे उसका ऑपरेशन होता है, कैसे वो बेटर लाइफ देता है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बताएंगे। लेकिन हैमर कर्सर के बारे में जानते हैं। शुरू शुरू में क्या था कि मैग्नीज स्टील ऑस्टेनेटिक IS 276 ग्रेड 3 का रहता है, मैग्नीज स्टील IS 276 ग्रेड 3 का। तो ग्रेड 3 में क्या है, जो क्रोमियम है 1.5 से लेकर 2.5 तक रहता है, जो मैग्नीज है वो करीब करीब 11.5 से लेकर 14.5 तक के बीच में रहता है मैग्नीज, और वही जो कार्बन है वो करीब करीब 1.2 से लेकर 1.3 तक रहता है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जो IS 276 ग्रेड 3 है इसमें क्रोमियम का एडिशन हो गया, ग्रेड 4 है उसमें निकिल का एडिशन हो जाता है, वो थोड़ा सा और एलिवेटेड टेम्परेचर के लिए परफॉर्मेंस अच्छा खासा देता है। ग्रेड 3 आराम से 100-150 टेम्परेचर कंटिन्यूस टेम्परेचर पे अच्छा खासा रिजल्ट देता है। लेकिन अगर आपका जो हैमर कर्सर है डायरेक्टली मैग्नीज स्टील का बना रहता है उसका लाइफ ज्यादा नहीं मिलता है, करीब करीब 4 या 5 महीना कंटिन्यूस अगर आपका प्लांट चल रहा है तो उसके बाद ही वियर एंड टियर बढ़ जाता है, जो उसका हार्डनेस है वो करीब करीब 300 VHN तक ही रहता है। अगर वही बायोमेटेलिक अगर चेंज हो गया हो, बहुत जगह आजकल जितने भी हैमर हैं वो बायोमेटेलिक हो गया है, तो बायोमेटेलिक केस में क्या है कि जो टॉप का पोर्शन है वो तो सेम मैग्नीज स्टील का ही रहता है 300 VHN तक का, लेकिन जो बॉटम का है उसका मेटल पार्ट को चेंज कर दिया गया, वहां पर क्या है कि 500 VHN तक मिलता है। तो उस केस में क्या है कि आराम से 7-8 महीना तक हैमर का लाइफ मिल जाता है, तो कहीं कहीं कभी कभी साल भर में मिल जाता है। तो क्या मटेरियल रहता है, GX165 CRMO V12। ये मटेरियल से बायोमेटेलिक करने से क्या है, उसका जो बॉटम का पार्ट है उसका हार्डनेस 500 PSN तक हो जाता है, तो करीब करीब 6-7 महीना तक आदमी लाइफ देता है, गारंटेड लाइफ, लेकिन करीब 1 साल तक चलता है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है। तो ये था हैमर कर्सर के बारे में। सेम वही केस रोलर कर्सर में भी मैग्नीज स्टील का ही बना रहता है, लेकिन उसका जो टिप है उसको बीच बीच में हार्ड फिशिंग करके उसका जो हार्डनेस है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं। तो ये था किलन के मेन कंपोनेंट के बारे में, आने वाले सीरीज में रॉ मिल के मेन कंपोनेंट में, कर्सर के बारे में, बॉल मिल के बारे में, सभी के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में आपको हम बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारा मोटिवेशन बढ़ रहा है वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।